Hello students. In this video, we'll discuss Part Two of Chapter Number Nine: Colonialism and Urban Change. Student, I hope you all have seen Part One of this chapter. If not, do watch it. So, student, till here we have completed everything in Part One. We'll start Part Two with the building of New Delhi. Once Delhi was made the capital, I'm looking Part One. Me, that. कोलकाता से कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई थी दिल्ली जैसे ही दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को ब्यूटीफाई करना स्टार्ट किया और उन्होंने डेली ब्रेक ली दिल्ली को ओल्ड दिल्ली से थोड़ा सा अच्छा बनाया है ना न्यू सिटी जो बनाई वो थोड़ी सी डिफरेंट बनाई थोड़ी सी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाई सिस्टमेटिक वे में बनाई क्यों क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि जो मेमोरी है मुगल्स की लोगों के दिमाग पे वो वाइप आउट हो जाए है ना ख़त्म हो जाए निकल जाए जो आज तक मुगल का दिल्ली जो लोग जानते समझते आए थे वो उसे भूल जाए और न्यू डेली जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा बस उसको याद रखिए जो कि कान बना रहे हैं ब्रिटिशर्स

रॉबर्ट बेकर्स इन लोगों ने न्यू सिटी को बनाने का टास्क अपने हाथ में लिया वर्क ऑन द सिटी बिगेन ऑन हील पहला जो सिटी का काम था वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ हील में जिसे हम रायसेना हील भी बोलते हैं और ये बना यहाँ पर बनाया उन्होंने वायसे रॉय का पैलेस ठीक है आज हम उसे क्या कहते हैं बेटा राष्ट्रपति भवन पर पहले रायसेना हील में जो बिल्डिंग बनी न्यू दिल्ली में वो थी वाइसरॉय पैलेस आज उसका नाम क्या है राष्ट्रपति भवन द राजपथ लीड टू दिस वहीं से राजपथ निकला हुआ है और जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है जिसे आज हम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहते हैं वो भी बनी फिर इंडिया गेट बना फिर पार्लियामेंट हाउस बना जिसे हम संसद भवन कहते हैं जो न्यू सिटी थी दिल्ली की वो इम्पीरियल स्टाइल ऑफ़ आर्किटेक्चर में बनी थी न्यू डेली ऑफिशियली इनाग्रेटेड इन 1931 और न्यू डेली का इनाग्रेशन कब हुआ बेटा 1931 तो ऑल इन ऑल इस पैराग्राफ में आपको देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यू डेली की किसको दीदी बनाने की एडवेंट्स और हा बट बेकर को इन्होंने पहले क्या बनाया रायसेना हिल्स में अब वाइसरॉय पैलेस जैसे आज हम क्या बोलते हैं राष्ट्रपति भवन जिससे ही राजपुत निकला हुआ है फिर सेक्रेटेरियट बिल्डिंग बनाई जिसे हम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहते हैं संसद भवन बना, इंडिया गेट बना और ये पूरा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पीरियर स्टाइल में बना अब क्वेश्चन पूछा है अच्छा हाँ ये और कि जो न्यू डेली थी उसका इनाग्रेशन कब हुआ बेटा नाइनटीन थर्टी वन में वाइस न्यू डेली ऑफन कॉल लुटियंस दिल्ली न्यू डेली को लुटियंस की दिल्ली क्यों कहा जाता है वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेली का, का है न्यू डेली का है मे बाय लिटियस ओनली दैट इज वाई डेली ऑफन कॉल्ड लिटियंस डेली अब बेटा जो नई दिल्ली थी उसमें बड़े बड़े रोड बनाए गए बड़े बड़े बंगले बनाए गए बहुत सारे गार्डन थे बंगलों बहुत बड़ा होता था वन स्टोरीड स्ट्रक्चर होता था लॉन होता था फ्रंट में एक किचन गार्डन होता था बैक में ऑन वन साइड ऑफ इट्स वर क्वार्टर ऑफ द सर्वेंट सर्वेंट के लिए क्वार्टर भी होते थे तो बंगलो बहुत बड़ा होता था वन स्टोरी होता था फ्रंट में गार्डन या लॉन होता था बैक में किचन गार्डन होता था और साइड में सर्वेंट क्वार्टर भी होते थे जो न्यू डेली थी बेटा बहुत ही क्लीन सिटी थी है ना बहुत सारा पैसा ब्रिटिशर्स ने खर्च किया था ड्रेनेज पर ड्रेनेज मतलब जो हमारा जो वेस्ट वाटर घर में से बाहर की तरफ आता है ना भले वो बाथिंग का हो वॉशिंग का हो उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए तो ब्रिटिशर्स स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द ड्रेनेज सिस्टम न्यू डेली वॉज वेरी क्लीन सिटी ठीक है बहुत ही क्लीन थी न्यू डेली ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा पैसा ड्रेनेज पे खा स्पेंड uh, किया था और बेटा वाटर सप्लाई का भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम था न्यू दिल्ली में सीवेज uh, वाटर का कैसे डिस्पोजल होगा मतलब जो नालियों का पानी है उनको कैसे डिस्पोज किया जाएगा वाटर uh, सप्लाई बहुत अच्छी थी ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी एक अगर आप देखें तो बहुत शार्प कंट्रास्ट था New Delhi, Old Delhi, Old Delhi, तो न्यू डेली और ओल्ड दिल्ली ओल्ड दिल्ली ऑफ शाहजहानाबाद और न्यू सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे जो नई दिल्ली बनी थी उसमें सैनिटेशन का सीवेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था और वहीं पर अगर हम शाहजहानाबाद को देखें तो एक कयास था अगर बेटा हम राष्ट्रपति भवन की बात करें तो राष्ट्रपति भवन ऑफिशियल रेसिडेंस है हमारे प्रेसिडेंट का ये डिज़ाइन किया था एडविन लुटियन ने और हबर्ड ब्रेकर ने और ऑफिशियली इसका इनाग्रेशन कब हुआ 1931 पर 1950 तक बेटा इसमें कौन रहते थे वाइस रॉय क्या कहा जाता था वाइस रॉय हाउस ठीक है एंड वॉज द रेसिडेंस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया का जो गवर्नर जनरल होता था मतलब वाइस रॉय उसका घर हुआ करता था वाइस रॉय हाउस कब तक नाइनटीन फिफ्टी तक इन साइड राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन के अंदर तीन सौ चालीस थ्री फोर्टी रूम्स हैं एक बहुत ही सुंदर सा मुगल गार्डन है तो बेटा राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है प्रेसिडेंट रहता है आगे बात में हु इज लिविंग इन साइड राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट और अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है द्रौपदी मुर्मू ओल्ड दिल्ली बेटा अगर हम ओल्ड डेली की बात करें तो जहाँ ब्रिटिशर्स एक साइड न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली को ब्यूटीफाई करने में लगे हुए थे वहीं वो कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर रहे थे वॉल सिटी शाहजहानाबाद को मतलब ओल्ड दिल्ली को वहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था वाटर सप्लाई का नहीं तो प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तो कोई सिस्टम ही नहीं था ओपन ड्रेनेज द्रेन, सिस्टम था कुछ जगहों पर तो ओपन सरफेस पे ड्रेनस डक कर दिए थे तो ये तो आज तक रियलिटी है बहुत सारी सिटीज़ में आप लोग देखेंगे कि ओपन सरफेस पे ड्रेन्स है धीरे धीरे जो बाउलीज़ थी वो डिसयूज में डिसयूज होने लगी क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी द बाउलीज़ ग्रेजुअली फेल फेल इन टू डिस धीरे धीरे करके लोगों ने बावलीस को यूज़ करना बंद कर दिया द पॉपुलेशन मीन वाइल कैप्ट इनक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी ड्रेनेज की कोई प्रॉपर फैसिलिटी थी नहीं जो ग्रांड बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी वॉल सिटी में वो ग्रेजुअली कोलेप्स कर रही हैं बहुत ही कम ट्रेडिशनल रिच फैमिलीज हैं जो रुकी हुई हैं जिन जिन्होंने प्रॉपर हवेली का मेंटेन करवा रखा है ना बाकी जो जितनी भी पुरानी बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी वो धीरे धीरे रियून बनती जा रही हैं कोलेप्स करती जा रही हैं उनको जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो लोग भी फैमिलीज उठा नहीं पा रही थी बहुत कम फैमिलीज़ बची थी जो ये काम करवा पा रही थी वन बाय वन दे शोल्ड ऑफ धीरे धीरे करके लोगों ने उनको बेचना चालू कर दिया और हमलर क्वार्टर्स में चले गए अदर हवेलीज सिंपली फेल इन टू डी और दूसरी जो हवेलीज थी वो धीरे धीरे करके डीके होने लग गई खराब ही होने लग गई फिर हम लोग देखेंगे दिल्ली आफ्टर पार्टीशन दिल्ली हार्ड अ मिक्स पॉपुलेशन ऑफ बहुत हिंदूज़ एंड मुस्लिम दिल्ली जो था उसमें हिंदूज़ भी रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे पर जब पार्टीशन हुआ तो क्या देखा हमने जो मुस्लिम लोग थे पार्टीशन के बाद वो कहाँ जा रहे थे पाकिस्तान जा रहे थे वहीं पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदूज़ कहाँ आ रहे थे दिल्ली में आ रहे थे है ना मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदूज़ इंडिया में आ रहे हैं और जो इंडिया के मुस्लिम वो कहाँ जा रहे थे पाकिस्तान जा रहे थे क्योंकि डेली कैपिटल था तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से आए उन्होंने बोला कि भैया दिल्ली में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा हमारा तो वो लोग दिल्ली आने लग गए अलार्ज नंबर ऑफ हिंदू एंड सिख रिफ्यूजी कम टू डेली बहुत नंबर में हिंदू और सिख रिफ्यूजी बन के कहाँ पहुँच गए दिल्ली बन गए तो दिल्ली किसका भी सिटी बन गई बेटा रिफ्यूजी इसका भी बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे जो पंजाब से आए थे इन पाकिस्तान देखो पंजाब जितना हमारे पास है उतना ही लगभग पाकिस्तान के पास भी है तो पाकिस्तान वाले हिस्से से जो पंजाब था उससे बहुत सारे माइग्रेंट इंडिया में आ गए दे वर जनरली ट्रेडर्स वो ट्रेडर थे मर्चेंट थे स्मॉल शॉपकीपर थे इनिशियली तो वो रिफ्यूजी कैंप में रहे फिर बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ एरिया दे दिया जहाँ पर वो रहने लगे धीरे धीरे करके रिफ्यूजी कॉलोनीज़ बन गई और जो मुखर्जी नगर है जो आज बहुत फेमस है ये मुखर्जी नगर क्या था बेटा रिफ्यूजी कॉलोनी था पार्टीशन ने सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करके रख दिया दिल्ली के जो ओल्ड कल्चर था जो उर्दू पे बेस करता था अब उसको रिप्लेस कर दिया पंजाबी कल्चर ने फूड और ड्रेस भी ड्रामेटिकली चेंज होने लग गई दिल्ली में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बहुत सारे चेंजेस आए आज आप देखोगे तो स्काई क्रैपर्स ऐसी बिल्डिंग दिखेंगी जो सीधे स्काई को टच कर रही हैं बड़े बड़े फ्लाई ओवरस हैं शॉपिंग मॉल्स हैं जो दिल्ली की ब्यूटी है वो आज भी इस फैक्ट में है कि यहाँ पर ओल्ड और न्यू चीज़ें आज भी को एग्ज़िस्ट कर रही हैं एक साथ में पर एप्स नो वियर एल्स विल यू सी शॉपिंग मॉल नेक्स्ट टू हुआ मोन्यूमेंट ऑफ द सल्तनीत और मुगल पीरियड बेटा दिल्ली के अलावा कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मुगल पीरियड में जो मोन्यूमेंट बने हुए हैं सल्तनत पीरियड में जो मोन्यूमेंट बने हुए हैं उसके पड़ोस में ही आपको क्या मिल जाए शॉपिंग मॉल तभी दिल्ली ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर को एग्ज़िस्ट करती हैं new and old things the day to day functioning of the city is looked after by municipal corporation mcd municipal corporation of delhi mcd dekhti hai day to day operation kahan ke delhi ke ab hum dekhenge india gate india gate stands at the end of rajpath rajpath ke end mein to kya maine kabhi tha india gate he had been routines ne banaya tha ट्वेंटी uh, वन से स्टार्ट हुआ थर्टी वन में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ टेन ईयर लग गया इसको बनने में ये ओरिजिनली क्या था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल किसकी मेमोरी में बनाया गया बेटा वो नाइन्टी थाउजेंड शोल्जर्स जिनकी डेथ हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंड अफगान वॉर में ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम ब्रिटिश की साइड से लड़ रहे थे तो वो जो नाइन्टी शोल्जर्स की डेथ हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अफगान वॉर में उनकी उनको कमोमोरेट करने के लिए ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बनाया गया जिसे हम इंडिया गेट कहते हैं द नेम्स ऑफ द शोल्जर्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन इट और इसके ऊपर क्या लिखे सैनिकों के नाम शोल्जर्स के नाम सो स्टूडेंट आई मेनिंग दिस वीडियो हेयर ओनली फिव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन